नेफ्रॉन आस्क एज अ शॉर्ट नोट 5 मार्क क्वेश्चंस. ओके सो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल. ओके देन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में बात करें. सो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स, रीनल कॉर्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल. सो रीनल कॉर्पस्कल्स के बारे में हम बात करेंगे, देन हम रीनल ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे. ओके सो हम रीनल कॉर्पस्कल्स के बारे में बात करते हैं. सो रीनल कॉर्पस्कल्स इज ऑल्सो नोन एज मालपिजियन. कॉर्पस्कल्स इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर्स कंप्राइजिंग ग्लोमेरुलस. ओके देन सराउंडेड बाय ग्लोमेरुलस कॉर्पस्कल्स. देन ग्लोमेरुलस बेसिकली है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो ब्लड एंटर द ग्लोमेरुलस थ्रू द एफ्रंट आर्टेरियल्स एंड लीव्स इट थ्रू एन इफ्रंट आर्टेरियल्स. ये हम फिगर में समझते हैं. ओके सो हम फिगर देखते हैं. सो ये हमारी हो गई फिगर. सो ये हमारी इफ्रंट आर्टेरियल्स है एंड ये हमारी एफ्रंट आर्टेरियल्स. सो एफ्रंट आर्टेरियल के थ्रू वो एंटर होगा एंड हमारी इफ्रंट आर्टेरियल के थ्रू वो आउट होगा. ओके सो ये हमारी है हमारी जो ग्लोमेरुलस है वो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. सो हमारी ये होगी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स एंड आउटर साइड होगी वो ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल्स. ओके सो हमारी ग्लोमेरुलस है वो टू सेल्स से बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ग्लोमेरुलर एपिथेलियम सेल्स से. ओके सो हमारी जो ग्लोमेरुलस एपिथेलियम सेल्स से बनी होती है वो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल. ओके देन हम बात करते हैं हमारी जो ग्लोमेरुलस है वो टू लेयर कंसिस्ट करते हैं, आउटर पैराइटल लेयर एंड इनर विसेरल लेयर. उस दोनों की जो बीच में स्पेस होगी उसको हम कहते हैं बाउमेन स्पेस और यूरिनरी स्पेस. ओके सो हम उसके बारे में बात करते हैं. ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स ऑल्सो नोन एज बाउमेन कैप्सूल्स. बाउमेन कैप्सूल्स हैज टू लेयर्स, इनर विसेरल लेयर एंड आउटर पैराइटल लेयर. बिटवीन द स्पेस ऑफ विसेरल लेयर एंड पैराइटल लेयर इज कॉल्ड बाउमेन स्पेस और यूरिनरी स्पेस. ओके देन हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे. सो हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन. हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन में यूरिन का जो